वालेकुम जान, आप कैसे हो? आप सब, आई होप सो गाइज, आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। सो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि इनको तो फर्क पड़ता नहीं कोई भी। सो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल है कुरान की तिलावत के साथ हुआ फीफा वर्ल्ड कप खत्म। शुरू भी कुरान की तिलावत के साथ हुआ था और खत्म भी इसी से हो रहा है। मैंने पहले एक आदमी को लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो भाई साहब, अर्जेंटीना मेसी वर्ल्ड कप जीत चुका है कितने सालों के बाद। तो आज हम देखेंगे कि क्लोजिंग सेरेमनी कैसी हुई है, वहां पे क्या चीज हुई है। तो वाह, बाकी ओरिजिनल वीडियो क्योंकि लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में उनकी दिया। ओपनिंग सेरेमनी इतनी बढ़िया बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी, तो उनकी क्लोजिंग वाह, सेरेमनी ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल यस, अच्छे तरीके से, बिल्कुल रिस्पेक्टेड वे से करी होगी। मजा आया देखने में जितना भी। उन्होंने बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है सब कुछ, एक एक चीज कुछ भी नहीं होने दिया एक महीने में ना, जब तक ये नो वर्ल्ड कप चला। अल्कोहल, नो सम, हाँ, कुछ भी सब नहीं कुछ था। पूरी अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करी। और तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी वैसा ही हुआ होगा। तो उसको हम करते हैं प्ले। जी, आखिरकार कतर में वही हुआ जिसका लोगों को पहले से अंदेशा था। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन कुरान की तिलावत से करवाने के बाद अब उसका समापन भी कुरान की तिलावत से करवा कर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। कतर ने न सिर्फ कुरान की तिलावत से फीफा वर्ल्ड कप का खात्मा किया, बल्कि करोड़ों लोगों के दरमियान में एक आलिम दीन को खड़ा करवा कर दीन की तबलीग भी करवा दी। फीफा वर्ल्ड कप के समापन के मौके पर कतर में जाकिर नायक से लेकर शाहरुख खान और दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। कतर के सबसे बड़े लुसाइल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के समापन के वक्त मुसलमानों के दिलों की धड़कन रज्जब तैयब एर्दोगान भी स्टेडियम में मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप के खात्मे के वक्त अरब देशों की एकजुटता देखते ही बन रही थी। एक तरफ रज्जब तैयब एर्दोगान थे तो दूसरी तरफ सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एक दूसरे के धुरविरोधी माने जाने वाले सऊदी और तुर्की पहली बार खुले तौर पर एक साथ नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप के खात्मे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिस्र के अब्दुल फत्ताह अल सीसी और अल्जीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सेनेगल से लेकर रवांडा और लाइबेरिया के शासक भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो ये फीफा वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी नहीं किसी इस्लामी जलसे का मैदान हो। नारे तकबीर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का चेहरा देखते ही बन रहा था। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को अरब देशों ने फिलिस्तीन की आवाज उठाने का मंच बनाकर रख दिया। ये इतिहास में पहली बार है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में लगातार फिलिस्तीनी झंडे लहराते रहे और फिलिस्तीन की आजादी के नारे गूंजते रहे। फीफा में फिलिस्तीनियों की कोई टीम भले न थी, लेकिन पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग एकजुट होकर कतर के स्टेडियम में एक अलग ही मैच खेल रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों ने जितने सजदे किए, उतने सजदे तो किसी खेल के दौरान नहीं हुए। सऊदी अरब से लेकर मोरक्को और सेनेगल के खिलाड़ी जब भी कोई मैच जीतते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में चले जाते। यहाँ तक कि मोरक्को जब सेमीफाइनल का मैच हारा तब भी वो सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूला। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हारने पर भी अपने खुदा का शुक्र अदा करना नहीं भूलते। कतर पिछले 10 सालों में इस्लाम का सबसे बड़ा पुरोधा बनकर उभरा है। उसने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। भारत में जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो कतर वो पहला देश था जिसने सबसे पहले विरोध किया। कतर ने फिलिस्तीन की आजादी से लेकर इंसानी हुकूक के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों से लड़ गया। मात्र 30 लाख आबादी होने के बावजूद भी वो सऊदी जैसे देश की मुखालफत करने से भी पीछे नहीं हटा। और जब सऊदी ने कतर पर पाबंदी लगाई तो तुर्की अपनी बाहें खोलकर सामने खड़ा हो गया। और आज लुसाइल के स्टेडियम में तुर्की और कतर का गठजोड़ विरोधियों में दहशत पैदा कर रहा था। फीफा वर्ल्ड कप के शुरुआत में ही कतर ने साफ कर दिया था कि वो 28 दिनों के लिए अपना मजहब नहीं तब्दील कर सकता। और आज 28 दिन पूरे होने पर उसने साबित कर दिया कि वो अपने मजहब और दीन के लिए कितना फिक्रमंद है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज्यादा कुरान और इस्लामी किताबें बांटी ताकि लोगों तक सही इस्लाम पहुंचाया जा सके। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के मैच के खात्मे से ठीक पहले एक इस्लामिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक बयान करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो मशहूर फाइटर खबीब के साथ विभिन्न इस्लामी मुद्दों पर बात करने के लिए कतर में हैं। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच चुका है। मशहूर यूट्यूबर जोसेफ ने भी कतर आकर जाकिर नायक के सामने इस्लाम कबूल करने की इच्छा जताई है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी कतर के लुसैल स्टेडियम में मुस्लिम शख्सियतों के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। जिस समय सभी मुस्लिम देशों की तरफ से उम्मीदें खत्म हो रही हैं, ऐसे वक्त में कतर मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया है। कतर के फैसले और जज्बे से दुनिया का हर मुसलमान खुश नजर आ रहा है। कतर ने साबित कर दिया है कि वो दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन औकात में सबसे बड़ा है। कतर ने सऊदी और दुबई जैसे उन देशों को भी सबक सिखा दिया जो छोटी छोटी चीजों पर भी इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से समझौते करते रहते हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कतर आखिर चीज क्या है, जिसने हॉलीवुड के एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन से भी दीन की तबलीग का काम ले लिया। कतर के इन फैसलों से आप कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक चीज जरूर सीखी जा सकती है इन जो कतर में फीफा जो हुआ इससे, कि अगर यूनिटी होना तो बहुत कुछ पॉसिबल होता है ना। चाहे हमेशा अपने आप में बिलीव होना चाहिए। जैसे कतर के जो वहाँ के जो प्रिंस है, उन्हें बिलीव था, उनको अपने लोगों पे यकीन था कि हम ये चीज कर सकते हैं इजीली, और बाकी मुल्कों को भी सिखा सकते हैं हम ये चीज, है ना। स्ट्रेंथ है, सब पावर इकट्ठी। सबसे छोटे देशों में से एक देश जिसकी आबादी 30 लाख है, हमारे जो एक स्टेट की आबादी इतनी ज्यादा होती है, तो ये देख ले कितना सा है ना कतर। तो ये था, और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था उन्होंने। मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर कोई और इनको इवेंट ऐसे मिलता है बड़ा ना, तो ये उसमें भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इतना पैसा, आप सभी को पता है, अल्कोहल वगैरह से इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, टूरिस्ट आते हैं जब ना इन सब चीजों से, पर इन्होंने ये वही चीज बैन करी। इनको कोई वो नहीं था पैसा, हालांकि चलो ऐसे भी कमाया होगा, लेकिन इन्होंने जो अपना मेन था वो चीज रखी है ना, रिलीजन को इन्होंने वो नहीं करने दिया कि हम 365 दिन जो करते हैं तो हम 28 दिनों के लिए अपने बाकी दिन को, बाकी दिन भी हमारी पूरी जिंदगी की वेस्ट हुए फिर उसी हिसाब से ना। तो बाकी ये थी वीडियो, और अर्जेंटीना जीत गई। आपकी फेवरेट टीम कौन सी जरूर कमेंट करके बताना, और फेवरेट प्लेयर कौन सा था, फेवरेट प्लेयर कौन है जरूर कमेंट करके बताना। सो बाकी तो फिलहाल सो बाकी तो फिलहाल छोड़ देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।